देखो लालू जी, साफ साफ बता देता हूँ, इस बार मेरे खेत में सरसों की पैदावार बहुत हुई है। और सरसों आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया सरसों है, तेल बहुत निकलेगा इसमें। मैं मंडी में आपकी आड़त पे लाया हूँ अपनी सरसों को, अच्छे से अच्छे रेट में बिकवा दो। अखिलेश आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपनी सरसों को तुम मंडी में मेरी आड़त पे लाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे रेट में बिकवाऊंगा मैं आपकी सरसों को, खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आए लेने के लिए। बोली की शुरुआत करता हूँ मैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अरे लालू जी, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सरसों की? ये अखिलेश की सरसों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है, इसमें तेल तो ज्यादा निकलेगा नहीं। भाई 3,000 से शुरुआत करो, नहीं तो मैं इस बोली से हट जाता हूँ। हट जाओ योगी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोली तो 5,000 से ही शुरुआत होगी। 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ। बस योगी जी रह गए देखते हुए। देखो 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केजरीवाल ने पहली बोली लगा दी, और आगे कोई 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों की ढेरी को मैं लेता हूँ। ओहो वैसी जी, छा गए बिल्कुल छा गए। और कोई आगे 5,500 रुपए वैसी जी। लालू जी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सरसों मेरी हुई अखिलेश की। क्या बात है, समुद्र जब तक शांत रहता है, लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है। एकदम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली। ये सरसों तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए, 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात जब जित पे आ गई है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मेरी हुई लालू जी। ऐसे कैसे हुई? 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ना राहुल जी। देखते हैं ये सरसों किसकी होती है। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल, 50,000 रुपए प्रति क्विंटल, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल, 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे राहुल बोलो, कैसे फुस हो गए, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है ये 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की ढेरी मोदी जी की हो गई। 1,00,000 रुपए एक, 1,00,000 रुपए दो, 1,00,000 रुपए तीन। मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का ज्वार भाटा। भाई लोगों वीडियो को लाइक। और भाई मोदी जी कैसा लगा मेरा भंडारा? भंडारे तो तुमने इतने खाए होंगे, लेकिन मेरे जैसा भंडारा नहीं खाया होगा। मैंने अपने भंडारे में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सबको एक एक आम दिया है देखो, और आलू के पराठे दिए हैं। मैं सही कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे साहब, क्या बात है तुम्हारे भंडारे की, मजा आ गया तुम्हारे भंडारे में। एक भंडारा मुझे अखिलेश का पसंद आया था और लालू जी का, एक तुम्हारा पसंद आया है, क्या बात है तुम्हारी। अरे सबको तुमने आम दिए एक एक, और मुझे 3 आम दिए तुमने, और पराठा तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। अरे एक पराठा और दिलवा दो मुझे, बस हो गया काम मेरा तो। भाई पराठे तो खत्म हो गए मोदी जी, पराठे जितने भी बने थे एकदम सब टूट पड़े, लूट मच गई पराठों की, आलू के पराठे सबसे पहले खत्म हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 आम दे दिए, सबको एक एक आम दिया, तुम्हें 3 आम दिए। आम खा लो, बहुत बढ़िया ताजे आम है, देखो अभी टूट के आए ताजे। अरे ठाकरे साहब पराठे की तो मुझे भी जरूरत थी, एक पराठा मेरे भी लिए दिलवा दो कहीं से। अरे बचा कुचा हो कहीं पे देख लो, पूरी तुमने बनाई नहीं है, 2-2 पराठे दिए थे सबको। अरे 2 पराठों में क्या हो जाता है, कम से कम 10-10 पराठे देते एक एक आदमी को, और तारीफ ही कर रहे हो अपने भंडारे की। ठाकरे साहब ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे तुम्हारी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तुमने सबको एक एक आम दिया है और मोदी जी को 3 आम दे दिए। अरे कम से कम हमें एक आम और दे दो, अरे मुझे ही अकेले दे दो एक आम दे दो। ठाकरे साहब एक आध पेटी में पड़ा हो एक आध आम मुझे दे दो, अरे मुझे 2 आम दे दो समझे। अरे राहुल ज्यादा बातें मत बनाओ समझे, जो मिल गया उसे खुशी खुशी ले लो, हर किसी के भंडारे में तुम्हारा यही नाटक सुनने को आता है। अरे मोदी जी की अलग बात है, मैंने दे दिए उन्हें 3 आम। चलो उद्धव ठाकरे जी, जब आप कह रहे हैं कि एक आम खा लो, खा तो लेंगे हम, लेकिन ये बात गलत है, मोदी जी को 3 आम दिए और हमें एक, समझे, ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं जची ये बात हमें। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी समय बीत रहा है, जल्द से जल्द पंचायत को शुरू करो। करता हूँ वैसी जी, पंचायत को शुरू करता हूँ। आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि साल में अपने गांव में एक पंचायत होती है, जिसमें गांव के सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं और सब अपनी अपनी परेशानी बताते हैं, और जिसकी जो भी समस्या होती है सब लोग मिलजुल के उस समस्या का समाधान करते हैं। तो सब लोग तैयार हो,
सब अपनी अपनी परेशानी बताना शुरू करो, किसको क्या दिक्कत है। देखो मोदी जी, सबसे पहले मैं अपनी समस्या बताता हूँ। अपने गांव में मजदूरी का रेट बहुत कम है, बहुत कम मजदूरी मिलती है मजदूरों को। एक दिन की दिहाड़ी मजदूर को मजदूरी 100 रुपए दिन मिलती है, कम से कम 150 रुपए दिन होना चाहिए। ये बात तो मेरे बहुत पहले दिमाग में थी कि हाँ मजदूरी तो कम है, लेकिन गांव में मजदूरी बढ़ाने से पहले सब लोगों की सलाह होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें मजदूर हैं तो कुछ लोग मजदूरी करवाते हैं, सब लोगों से पूछना पड़ेगा। राहुल तुम क्या कहती हो, मजदूरी बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल मोदी जी, मैं योगी जी की बात का समर्थन करता हूँ। गाँव में मजदूरी 150 रुपए दिन होना चाहिए। इतनी महंगाई के दौर में 100 रुपए दिन कमाने पर क्या हो जाएगा, 100 रुपए में घर का खर्चा नहीं चल पाता है हमारा। चलो ठीक है, आज से गांव में मजदूरी 150 रुपए दिन होगी, इससे कम कोई मजदूरी ना देगा ना लेगा। इस बात को मजदूर पंचायत में तय किया जाता है। और किसी को कोई समस्या? अरे मोदी जी, गांव में मजदूरी करने का समय भी ज्यादा है, थोड़ा कम समय होना चाहिए। अपने गांव में लोग मजदूरी करने सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं। 12 घंटे की मजदूरी बहुत हो गई, कम से कम 10 घंटे की मजदूरी होना चाहिए। सुबह 7 बजे मजदूर मजदूरी करने जाए और शाम को 5 बजे आ जाए, बिल्कुल ठीक समय है 10 घंटे मजदूरी का। हाँ ये बात तो ठीक कह रहा हूँ केजरीवाल, ये बात मेरे भी दिमाग में थी, समय तो कुछ कम होना चाहिए। केजरीवाल की बात से मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। थोड़ा संतुष्ट हो? पूरी तरीके से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ लालू जी? मोदी जी मैं पूरी तरीके से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी तक लोग मजदूरी 12 घंटे तक करते थे और अब एकदम 2 घंटे कम करोगे तो मालिक लोग भड़क जाएंगे, इसलिए 1 घंटा कम होना चाहिए। लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम 2 घंटे कम मत करो, नहीं तो मजदूरी करवाने वाले लोग भड़क जाएंगे। थोड़ा टाइम कम कर दो, 1 घंटा। चलो ठीक है, आज से 11 घंटे की मजदूरी तय होती है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस बात का तुम सबको पता होना चाहिए कि आज शाम को लालू जी के दोस्त की शादी है और अपने बैंड का पूरे एरिया में पूरे इलाके में नाम है। तो लालू जी ने अपनों को इतने प्यार से बुलाया है तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि कल शादी में अपना जब बैंड बजाए जिससे कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए। योगी जी ये कैसे हल्के हल्के ढोल बजा रहे हो, इस तरीके से ढोल बजाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे ढोल बजाने में दम नहीं है, ये ढोल बजाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे मोदी जी आपको पसंद आएगा भी कैसे, आपने अपने हाथ में तो इतना भारी ढोल ले लिया है और मुझे जरा सी ढोलकिया थमा दी है तो आपके ढोल के सामने मेरी इस छोटी सी ढोलकिया में आवाज कहाँ आएगा। चलो योगी जी जैसे भी बजा रहे हो वैसी बजाते रहो। अरे केजरीवाल तुम्हारे झुंझुने से आवाज क्यों नहीं आ रही सही तरीके से, झुंझुना तुम बिल्कुल अच्छा नहीं बजा पा रहे हो। अरे मोदी जी झुंझुने में से आवाज आएगी कैसे, कैसे आएगी आवाज? आपने मुझे जो झुंझुने बजाने के लिए दिए इसमें छेद हो गए और इसके अंदर जो छोटे छोटे गोल गोल दाने थे जिनसे ये बसता था वो सब निकल के भाग गए, तो झुंझुना सही तरीके से बज ही नहीं पा रहा है। अब तुम्हें लालू जी के दोस्त की शादी में नाम भी चाहिए और बजाने वाले यंत्र तुमने हमें पुराने थमा दिए। केजरीवाल इन्हीं झुंझुनों से मैंने 20 साल बैंड चलाया है, आज तुम्हें ये झुंझुने पुराने लगने लगे, लय और ताल मिल ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे अखिलेश तुम्हारे पास से तो आवाज ही नहीं आ रही है, तुम क्या बजा रहे हो ये? अरे मोदी जी मैंने अपने हाथ से लकड़ी का ये यंत्र बनाया छोटा सा, उसी को बजा रहा हूँ, आवाज तो अच्छी आ रही है। क्या खाक आवाज आ रही है अखिलेश, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बेफालतू में खड़े हुए हो, तुमने जो ये यंत्र बनाया है अपने आप से इसमें से आवाज ही नहीं आ रही है, सुर और लय ताल मिल ही नहीं पा रही है, लगता है लालू जी के दोस्त की शादी में बदनामी हो जाएगी। राहुल तुम कैसे खड़े हुए हो, तुम क्यों नहीं बजा रहे हो, ये हाथ में तुम्हारे क्या है, इसको बजाओ। ये तुम्हारे लिए मैं नया यंत्र खरीद के लाया हूँ, इसे बजाओ बहुत अच्छा आवाज निकलेगा। अरे मोदी जी ये कौन सी चीज बजाने वाली उठा के लेके चले आए, ये मुझसे तो बज नहीं रही है, 2 घंटे हो गए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बजाऊं कैसे बजाऊं। अच्छी लालू जी के दोस्त की शादी हो गई, उस शादी में बैंड के नाम के चक्कर में तुमने सारे के सारे यंत्र बदल दिए और समझी में नहीं आ रहा है हमारे, हम कैसे बजाएं। पहले तुम ही बजा के दिखाओ फिर मैं इसे बजाऊंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।